और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सरसों की सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू होने के ऐलान के बाद भी गोहना की अनाज मंडी में अभी तक सरसों की खरीद शुरू नहीं की गई है। सरसों की खरीद शुरू न होने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन करते हुए मंडी अधिकारियों को प्रदेश के सीएम और कृषि मंत्री के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार से जल्द सरसों की खरीद को शुरू करने की मांग की है। ऐसा है जी, सरसों की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है पूरे हरियाणा में, लेकिन फसल की कटाई जोर शोर से चल रही है। अब किसान सरसों की कटाई करके सरसों निकाल के फिर उसको घर रखेगा, घर नहीं रखेगा अगर मंडी में ले आया, मौसम ख़राब है कईयों की। अब कल परसों में बारिश बता रखी थी तो बहुत से किसानों की सरसों खुले आसमान में पड़ी थी जो सरकार खरीद नहीं रही, और वैसे जो प्राइवेट आड़ती हैं वो मनमाने दाम पर सरकार की सरसों खरीदना चाहते हैं। ये भाई हमारे लिए सरसों में बात निकल दे, किसान की जो भी फसल आती है सरकार लेट से उसकी प्रक्रिया खरीदने की शुरुआत करती है, और जब भी एक किसान के हाथ से फसल निकल जाती है इसका तुरंत एकदम मार्केट में इतना उछाला जाता है, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं आड़ती और व्यापारियों के साथ मिलकर किसान को लुटवाने का काम कर रही है। आज से 15 दिन पहले जब सरसों मंडी शुरू होगी थी, ये सरसों ये ऐसा तो ऐसा नहीं भाई पाकिस्तान से आ रही है, कहीं दूसरी स्टेट से आ रही है, यहीं की सरसों है। जब इन्होंने लेनी है तो जल्दी से जल्दी इसको लिया जाए। अभी गोहाना की मंडी ही की बात नहीं करते, पूरा हरियाणा प्रदेश की किसी भी मंडी में सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई है। किसानों को सरेआम 5000 में 4800 में 5100 रुपए में लूटा जा रहा है, जबकि MSP बहुत ज्यादा नहीं है, MSP भी लागत से बहुत कम है, फिर भी जो है 5500 MSP है। हरियाणा प्रदेश की किसी भी मंडी में सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है, कहीं नमी का बहाना बनाया जा रहा है, कभी आड़तियों की कमीशन का बहाना बनाया जा रहा है।